दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे छत का ऊपर जो वाटरप्रूफिंग करने का तरीका और उसको मिक्स करने का लगाने का तरीका क्या क्या करना चाहिए। वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी ये जो छत है, नया छत है, इसका ऊपर कुछ नहीं लगाया, वाइट सीमेंट कुछ नहीं है इसका ऊपर। इसके ऊपर से जो पानी, जब बारिश आने का टाइम पानी घर के अंदर जा रहा है, तो उसको वो पानी रोकने के लिए छत का ऊपर क्या करने का, इसको पहले साफ़ सफाई कर दीजिए। जो सीमेंट टूट के निकल गया उसको निकाल दीजिए, ब्लेड से या झाड़ू से निकाल दीजिए। निकालने के बाद में हम लोग देखेंगे वाइट सीमेंट और मिक्स करके जो रिस्कोट केमिकल का नाम है, 320 रुपये लीटर का है, और वाइट सीमेंट जो भी ले सकते हैं आप, बिरला का है, वेम्बनाड का है, जेके वाइट सीमेंट है, ये सब बहुत कंपनी है। जो भी आपको मन चाहे, आपका गांव में जो सामान वाइट सीमेंट मिलता है वो ले लीजिए। लेने के बाद उसको यूज़ करने का तरीका ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, वाइट सीमेंट 5 किलो लिया है, लेके पानी में घुला के रखा है, मिक्स करके रखा है पानी में ऑलरेडी। तो अभी ये जोरिस्कोट 1 लीटर 5 किलो के वाइट सीमेंट, 5 किलो पाउडर वाइट सीमेंट और 1 लीटर जोरिस्कोट, 320 रुपये इसका, दोनों को मिला लेने का। मिलाने के बाद में जब हम लोग लगाने के लिए थोड़ा चालू कर देने के बाद में छोटा सा एक लकड़ी लेके उसको बीच बीच में मिलाने का। उसको जैसा आप 4-4 ब्रश लगा दिया तो उसके बाद में थोड़ा सा ऐसे जैसा अभी मिलाने का देखते हैं ना बड़ा बाल्टी में, ऐसा ही छोटा बाल्टी में मिला के लगाने के, ताकि केमिकल और वाइट सीमेंट जो भी घुल जाए, मिल जाए, तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। नहीं तो केमिकल ऊपर रह जाएगा दूध का जैसा, वाइट सीमेंट नीचे रह जाएगा, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, और कुछ भी आपको शक है, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी देखो ये फर्स्ट कोट लग रहा है। फर्स्ट कोट लगाने के पहले ही पानी में छत को अच्छा सा भिगा देने का। भिगा के जब थोड़ा सा सूख जाएगा, पानी थोड़ा गिर जाएगा छत के ऊपर से, तो लगाना चालू कर देना चाहिए। गीलापन रहना मांगता है छत के ऊपर, उस टाइम लगाने का। जब सूख गया तो उसको पानी भिगा के लगाने का। ये फर्स्ट कोट है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से हम लोग को पता चलेगा आपको ये वीडियो कुछ फ़ायदा मिला नहीं मिला मालूम होएगा। लाइक करना ना भूलिए, अभी से अभी लाइक कर दीजिए पसंद आया तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको तुरंत मिल सके। सब्सक्राइब करके बाजू का वो घंटी का बटन भी दबा देने का, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, और जो वीडियो, जिसके बारे में वीडियो बनाने का है उसका बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसका वीडियो मैं बना के आपको अपलोड कर सकूं। मैं अभी केरल में हूँ, केरल का पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं केरल में काम कर रहा हूँ। तो आप कमेंट कीजिए, मेरा हिंदी थोड़ा कुछ ये होगा। मेरा चैनल जो है, जो भी वीडियो है वो हिंदी में ही अपलोड होएगा। पहले एक दो वीडियो में अपलोड किया है, आवाज़ नहीं दिया उसमें, तो कमेंट किया दोस्त लोगों ने, आप आवाज़ दीजिए क्योंकि हम लोग को पता चले। तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग कमेंट किया वो हिंदी में ही कमेंट किया, तो मैं सोचा क्यों वो मलयालम में कमेंट वो अपलोड करने से अच्छा है हिंदी में ही कर दूँ, क्योंकि केरला का आदमी लोग भी हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं, हिंदी अरबी सब बात करने वाला आदमी है, तो हिंदुस्तान में हर आदमी हिंदी बात करता है, तो इसके लिए मैं हिंदी चूज़ करके हिंदी में अपलोड किया पूरा वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कोट हो गया। तो ये सब फर्स्ट कोट हो गया। फर्स्ट कोट होने के बाद में इसको पूरा फिर पुराना जैसे ही भिगा देने का। भिगाने के बाद में पानी थोड़ा गिर जाएगा, फिर सेकेंड कोट ऑपोजिट डायरेक्शन में मारने का। पहले हॉरिजॉन्टल लगाया, उसके बाद में ऑपोजिट वर्टिकल पोजीशन में मारने का। मोटा मोटा नहीं मारने का, उसको
इसको पतला सा एक मीडियम से मारने का, ठीक है। 1.5 लीटर पानी और 1 लीटर 1 किलो पाउडर, वाइट सीमेंट का पाउडर 1 किलो और 1.5 लीटर पानी, उसका हिसाब से मिलाने का। 5 किलो जब पाउडर डाल देंगे उस टाइम 1 लीटर जोर स्कॉट उसमें लाजिम मिला लेने का, उससे ज़्यादा नहीं मिलाने का, उससे कम भी नहीं मिलाने का, 1 लीटर बराबर मिला लेने का। 1 लीटर का बॉटल भी आता है जोर स्कॉट का, 320 रुपया है। 5 लीटर का भी है, 1650 रुपया आता है। 5 लीटर लेंगे तो थोड़ा दाम कम होएगा आपको, ठीक है। दूध का जैसा रंग होगा जोर स्कॉट का। अभी ये जो फर्स्ट कोट लगाने के बाद में दूसरा दिन सेकंड कोट लग रहा है वाइट सीमेंट छत के ऊपर, ये लगने के बाद में आप पानी डालेंगे, फर्स्ट कोट लगने के बाद भी पानी डालेंगे तो आपको लीक प्रूफ दिखाई देगा। पानी उस जब छत से नीचे नहीं जाएगा, पानी बह के बाहर जाएगा, आपको दिखेगा। जैसे रबर कोटिंग किया है उसका तरीके से दिखेगा। गर्मी भी कम होएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी कम होएगा घर के अंदर। इसमें बहुत कुछ फ़ायदा है, घर का भी अच्छा है, घर का भी सेफ्टी रहेगा आपको, ठीक है। छत का ऊपर लगाने का टाइम छोटा सा दीवार रहेगा साइड पे, उसको भी लगा देने का, ओके। अभी ये जो सेकंड कोट लग रहा है, सेकंड कोट लगने के बाद में आपको दिखेगा, बहुत खूबसूरत भी दिखता है। सब सेकंड कोट हो गया दोस्तों, वो ये सेकंड कोट लग गया। अभी देखो ये सूखने के बाद में ऐसा रहेगा, सेकंड कोट लगने के बाद में, ठीक है। पानी तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अभी 2 कोट लगने के बाद में पानी जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, उतना ज़बरदस्त केमिकल है वो जोर स्कॉट और वाइट सीमेंट दोनों मिला के लगाने का। वाइट सीमेंट लेने का टाइम ध्यान रखिए, नया वाइट सीमेंट लेने का, पुराना वाइट सीमेंट लेंगे उसमें ज़्यादा वेस्टेज निकल जाएगा, दाना दाना रहेगा उसमें, पाउडर नहीं रहेगा, पत्थर का जैसा थोड़ा थोड़ा पीस रहेगा उसमें, वो खराब, वो उसमें आपको नुकसान ज़्यादा होगा। नया लेने का, नया वाइट सीमेंट ले लीजिए, ठीक है। खाली वाइट सीमेंट में ही एक वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं, वाइट सीमेंट और जोर स्कॉट, दूसरा सुनोसम सब नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय दोस्तों।